सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीमीटर की जो वोल्टेज सेक्शन होता है उसकी जानकारी हम सीखने वाले हैं, उसकी पूरी डिटेल सीखने वाले हैं कि हम वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, मोबाइल में ट्रेसिंग के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। आज हम ये सीखने वाले हैं कैसे करते हैं ट्रेसिंग, कैसे वोल्टेज इसमें से निकलती है, सारी जानकारी मिलेगी आपको आज इस वीडियो में। कल हमारी मैम निहारिका मैम ने एक वीडियो बनाई थी वैल्यू के ऊपर, जिसने नहीं देखी आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, उन्होंने बताया भी था कि हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे मल्टीमीटर के सेक्शंस के बारे में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं दिखा दूं कि हमारा जो वोल्टेज सेक्शन होता है वो कहाँ होता है। ये जो होता है ये हमारा वोल्टेज सेक्शन नहीं होता है। ये आपको जो कल की वीडियो थी उसमें जाइए, पूरी बीप की नॉलेज उसमें मिली हुई है। आज हम सिर्फ वोल्टेज के ऊपर बात करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर लेके जाएं तो ये देख रहे हैं आप V20 वोल्टेज 20, इसे ये इस 20 पे हमें रखना पड़ता है अपनी वोल्टेज निकालने के लिए। जब भी हम किसी की वोल्टेज निकालना चाहते हैं, जिस भी प्रिंट की हमें वोल्टेज जाननी हो, बैटरी की हमें वोल्टेज पता करनी हो, या किसी भी पार्ट की हमें वोल्टेज के सेक्शन जानना हो, उसके लिए हमें पहले 20-20 पे हमें इसको रखना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आज इसको देखेंगे भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे हम इसका वोल्टेज सेक्शन जान सकते हैं। तो ये रखिए, पहले आपको सबसे पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो 20-20 है मल्टीमीटर में, कई लोगों के इस तरफ होता है, कई लोगों के इस तरफ होता है, कई के नीचे के सेक्शन में भी होता है। तो मल्टीमीटर पे ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। आप ये साइन देख लीजिए, ये वाला ये वी का जो साइन है जहाँ पर होगा उस पर वहाँ 20 लिखा होगा, वो हमारा वोल्टेज का सेक्शन होता है। ये हमारा एम्पियर का ही हमारा वोल्टेज का सेक्शन होता है। तो ये आप यहाँ रखेंगे और फिर हम इसके वोल्टेज निकालेंगे। तो ये देखिए मैंने जैसे कि बताया, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बैटरी की जो है वोल्टेज हमें बता सकता है, मतलब कि 3.7 की बैटरी होती है, बैटरी खराब है या डिस्चार्ज है, आपको मल्टीमीटर से इजीली पता लग सकता है। आप बैटरी के प्लस और माइनस पे जब आप मल्टीमीटर को रखेंगे, अगर आप बीप पे रखेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर आप 20 पे रखेंगे, 20 वोल्ट पे रखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन जो है, आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो चार्ज है या नहीं है, या फिर वो बिल्कुल ख़राब है या ख़राब नहीं है। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी लूँ बैटरी, ये मैंने प्रिंट भी बनाया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले बैटरी, बैटरी वोल्टेज, ठीक है। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इसको हम कैसे चेक करेंगे। जैसे कि एक बैटरी मेरे पास पड़ी है, इसको अभी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कितनी चार्जिंग है। अगर हमारी बैटरी 3.7 फुली दिखाए, 3.8, तो आप समझ जाइए हमारी बैटरी फुली चार्ज है, उसके अंदर चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारी बैटरी चार्ज है, फोन को ऑन कर सकती है हमारी बैटरी। 3.7 से अगर नीचे होगा इसका वोल्टेज, तो इसका मतलब ये फोन को ऑन करने के लिए सक्षम नहीं है, ये फोन को ऑन नहीं कर पाएगी। तो पहले चेक कर लेते हैं, 20 वोल्ट पे हमने इसको रख दिया है, ठीक है। हमने प्लस पे रखना है प्लस को, और माइनस पे रखना है माइनस को। तो यहाँ इसका ये रहा माइनस, ये इसका प्लस है, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 2.8, ये 3.7 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको फोन में लगाऊं तो ये नहीं चलेगी बैटरी, पहले हमें इसे चार्ज करना पड़ेगा तब जाके ये हमारे फोन को ऑन कर पाएगी। तो ये देखिए, ये देखिए, अगर अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूं, मान लीजिए बीप पर सेट कर दूं, तो ये देखिए अब आपको ये थोड़ी ना पता लगेगा, आपको वोल्टेज नहीं मिल पाएगी। ये देखिए कुछ भी नहीं पता लग रहा है, प्लस पर प्लस रखा हुआ है, माइनस पर माइनस रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। जब तक हम इसको हमारे 20 वोल्ट पे नहीं सेट करेंगे, हमें पूरी वोल्टेज की जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये रखा है, यहाँ पर हमने ये रखा है, ये देखिए ये बिल्कुल भी फ़ोन को चार्ज करने के लिए बहुत कम है ये चार्जिंग, इससे हमारा फ़ोन बिल्कुल ऑन नहीं हो सकता। जब तक इसमें 3.7 ना आए तब तक आप इसे फ़ोन में नहीं लगा पाएंगे, इससे फ़ोन ऑन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। 0.0 आता है अगर, तो उससे आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है या तो बैटरी बिल्कुल ख़राब है या फिर बिल्कुल ही डेड है। ज़्यादातर अगर बैटरी डेड होती है तो 0.0 ही दिखाती है। सम बैटरीज होती हैं जो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, कई टाइम से चार्ज नहीं हुई होती हैं, तो इसलिए वो 0.0 दिखा रही होती है। तो ये एक प्रैक्टिकल था आपके लिए कि आप इसमें ये चेक कर सकते हैं आपकी जो बैटरी है वो 3.7 से लेकर 4.2 तक की मिलेगी आपको। वैसे मोस्टली 3.7 की होती है, सम बैटरीज होती हैं जो 4.2 की आपको मिल जाएंगी।
ठीक है। अब ये मैंने जो बनाया है यहाँ पर, ये क्या बनाया, ये है मान लीजिए अगर आपके बोर्ड के जैसे कि ये दो प्रिंट है, ठीक है, मान लीजिए ये दो प्रिंट है, ये दो प्रिंटर लगे हुए हैं, या फिर कोई से भी, ये देखिए ये दो प्रिंट है, कोई से भी आप प्रिंट मान सकते हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू लूँ, अगर मुझे वैल्यू जाननी है तो मुझे DC20 पे नहीं रखना है, राइट। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी आप जाके जरूर देखिए, उसमें वैल्यू का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये अगर हम वोल्टेज की जानकारी ले लें तो हमें वोल्टेज जाननी पड़ेगी। वोल्टेज फोन में कब आती है, पहले अगर मान लीजिए आपने बैटरी लगाई हुई है, कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसमें चार्जिंग का इनपुट नहीं देंगे, जब तक आप उसमें करंट नहीं देंगे, तब तक उसमें आपको वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। या तो आप बैटरी कनेक्ट करें, ठीक है ना, मैंने बैटरी का आपको बता दिया, या फिर आप कोई चीज, या फिर सप्लाई आप उसमें दें, या फिर आप कोई क्या कहते हैं पावर उसमें, जैसे कि चार्जिंग कनेक्टर में चार्जर आप लगाएंगे तो उसमें एक सप्लाई जाती है, जब उसमें कोई वोल्टेज जाएगी तब आपको वोल्टेज मिलेगी। जब तक उसमें वोल्टेज जाएगी नहीं तब तक आपको वोल्टेज मिलेगी नहीं। तो ये देखिए, मान लीजिए ये दो प्रिंट है, आपने चेक किया, ये देखिए मैं आपको दिखा भी दूं, जैसे कि ये दो प्रिंट है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर काम खराब है। ये देखिए, अब ये मैंने 20-20 में सेट कर रखा, ठीक है। अब मुझे प्रिंट की वैल्यू लेनी, वोल्टेज जाननी है, तो मैं इसको अगर मैं यहाँ रखूँ ग्राउंड पे और मैं चेक करूं, क्यों नहीं कुछ मिल रहा, ये देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 20-20 पर सेट है और इसके अंदर तो वोल्टेज ही नहीं है ना, ना तो इसमें चार्जिंग कनेक्टर के अंदर चार्जर लगा हुआ है, ना इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। तो जब तक इसके अंदर कोई पावर जाएगी नहीं तो पावर दिखेगी कैसे, मिलेगी कैसे इसे। तो ये देखिए, अगर मैं इस पर सेट कर दूं इसको तो मुझे यहाँ पर वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी इजीली, क्योंकि वैल्यू जो होती है वो हमारी वोल्टेज से रिलेटेड नहीं होती है। तो ये देखिए, मैं अगर यहाँ रखूं, ये देखिए मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ पर अब हमारे को वैल्यू मिल रही है, लेकिन वोल्टेज नहीं मिलेगी जब तक मैं इसमें कोई ना कोई इनपुट ना दूं, जब तक मैं कोई इसमें कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करूं तब तक मुझे इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए, ये देखिए जैसे कि मैंने ये प्रिंट बनाए हैं, मान लीजिए आपने बजर मोड पे इसको चेक करा है तो इस पे आपको 300 मिल गया, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, और यहाँ भी आपको 300 मिल गया मान लेते हैं, लेकिन ये इनकी वोल्टेज तो नहीं है ना। हमें वोल्टेज की जानकारी चाहिए कि हमारा जो प्रिंट है वो IC तक उनका फुली कनेक्शन एकदम ओके है या नहीं है। अगर इन प्रिंट पे हमें 1.8 की सप्लाई मिलनी चाहिए तो 1.8 की सप्लाई हमें कैसे मिलेगी। अब वो मिलेगी ऐसे कि या तो आप इसमें बैटरी कनेक्ट करें फ़ोन के अंदर, ये तो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कई बार हम बोर्ड ही निकाल लेते हैं तो वो नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर पे चार्जर लगा सकते हैं जिससे कि आपको वोल्टेज मिल जाएगी, और वोल्टेज जब फोन में जाएगी तो आपको 1.8 देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब हम इसको बजर मोड पे चेक कर रहे हैं तो इसमें 300-300 आ रहा है, लेकिन जब हम इसमें चार्जर लगा देंगे 20-20 पे हम रखेंगे, फिर हमारे को अगर मान लीजिए इस पे वोल्टेज आनी चाहिए 1.8, तो हमें 1.8 ही देखने के लिए मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमने इसमें एक इनपुट दे दिया। वोल्टेज यही होती है, आपको हमारे फ़ोन में जो भी काम होता है वो कूल टेस्टिंग इतना नहीं कर पाती है, हमें मेन ज़रूरत जो पड़ती है वो हॉट टेस्टिंग की पड़ती है। जब तक हमारे फ़ोन में हॉट टेस्टिंग नहीं होगी, और इसी चीज़ को जो 20-20 को ही हॉट टेस्टिंग कहते हैं, जब हम हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारे बोर्ड में कुछ गर्म चीज़ डालना, लाइक जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब हम चार्जर लगा रहे हैं तो एक वोल्टेज इसके अंदर जा रही है, एक गर्म चीज़ इसके अंदर जा रही है, जिसको कि हम हॉट टेस्टिंग कहते हैं। अब इसको चेक करेंगे हम 20 वोल्ट पे, वोल्टेज की ट्रेसिंग करेंगे, हमें हर चीज़ की एक ट्रेसिंग चाहिए होती है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, मान लीजिए ये देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा जो चार्जिंग जैक होता है, मैं लिख लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, चार्जिंग जैक जो हमारा होता है उस पे हमारे को कितनी वोल्ट देखने के लिए मिलती है, 5 वोल्ट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब इस पे 5 वोल्ट हमें कब देखने के लिए मिलेगी, अगर मैं कोई भी कनेक्टर, ये देखिए मैं यहाँ से आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक चार्जिंग कनेक्टर है, अब मैंने इसको लिया बोर्ड को, ठीक है, सेम मैंने वापस से बोर्ड को ले लिया। अब मैं इसको चेक करूँ तो क्या मुझे इसमें
5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये देखिए, क्योंकि अब मैंने 20-20 पे सेट कर रखा है इसको, ठीक है। हम रेड वायर को रख लेते हैं, चलिए यहाँ देखिए, इसी पे रख लेते हैं, ये हमने रख लिया। अब मैं अगर चेक करूँ तो मुझे किसी भी पिन पे ये देखिए 5 वोल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये कूल टेस्टिंग है, हमें हॉट टेस्टिंग करनी है। हम 20-20 पे रख रहे हैं तो हमें जब तक इसमें वोल्टेज इसमें हम डालेंगे नहीं, तब तक हमें वोल्टेज दिखेगी नहीं, तब तक हमें वोल्टेज मिलेगी नहीं। अब अगर मैं चेक करूँ इसकी वैल्यू तो ये देखिए वो मिल जाएगी हमें। अब इसको मैं वापस रखूँ, ये रखिए आ रही है, अब आ रही है ना। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने उसको यहाँ रख दिया है। ये हमारा वोल्टेज का सेक्शन ही नहीं है, वोल्टेज हमारी ये है। जब भी आप हमारे फ़ोन में कोई इनपुट दोगे तब आप कोई सेक्शन को जो है वो ट्रेसिंग कर सकते हो, उसकी ट्रेसिंग कर सकते हो, तभी आपको ट्रेसिंग करनी आएगी। ये देखिए मैं आपको और भी दिखा दूँ, जब भी आपको मैं आपको लिख भी दूँ ताकि आप, और मैं बता दूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तभी आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हॉट टेस्टिंग 20 वोल्ट पर होती है, ठीक है। हॉट टेस्टिंग 20 वोल्ट पर होती है। जब भी आप हॉट टेस्टिंग करेंगे, अगर आपको किसी ने कहा है कि आपका जो फोन है वो हॉट टेस्टिंग से ही सही होगा, या आपको पता है हॉट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो आपको ये 20 वोल्ट पे यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी आप हॉट टेस्टिंग कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, टेस्टिंग और ट्रेसिंग तो अलग अलग मैटर है। टेस्टिंग मीन्स आप प्रिंट के टेस्ट कर रहे हैं, मीन्स कि मैंने अभी आपको जैसे कि यहाँ करके दिखाया कुछ 600-700 वैल्यू मिल रही थी हमारे को। वैल्यू जो होती है वो आपकी टेस्टिंग होती है, लेकिन जो आपकी ट्रेसिंग जो होती है वो आपकी होती है 20 वोल्ट में। समझ रहे हैं आप? टेस्टिंग और ट्रेसिंग में बहुत फर्क है। आपकी जो टेस्टिंग होती है वो आप करते हो वैल्यू के लिए, लेकिन जब आप ट्रेसिंग करते हो, क्योंकि आप वोल्ट ट्रेसिंग कर रहे हो, वोल्ट को जान रहे हो कि आपके जो प्रिंट है या आपकी आईसी है उन पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए। अब ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पर एक आईसी बना लेते हैं, यहाँ मान लीजिए सीपीयू लिख लेते हैं, ठीक है। सीपीयू को आपने चेक करना है कि सीपीयू हमारा ओके है या नहीं है। सीपीयू को चेक करने का क्या तरीका होता है, अभी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, सिंपल तरीके से बताऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं सीपीयू को ये देखिए यहाँ पर ये बना लेते हैं, कंपोनेंट होते हैं हर सीपीयू के पास, आपको ये देखिए यहाँ भी मिल रहे हैं कंपोनेंट लगे होते हैं। सीपीयू के पास जो कंपोनेंट होते हैं, अगर मैं वहां पर चेक करूँ, अभी चेक करूँ, अगर मान लीजिए इस बोर्ड में लगा हुआ मैं चेक करूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं देखने के लिए मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने इसमें वोल्टेज नहीं दे रखी है। सीपीयू की वोल्टेज जो होती है वो मोस्टली 1.2 से 1.8 आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगी। सीपीयू 1.8 के आसपास जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। आपने कई बार मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सीपीयू जो है 1.8 तक आपके पास देता है वोल्टेज। तो अगर मान लीजिए, अगर हम मुझे सीपीयू चेक करना है कि सीपीयू ओके है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तो बैटरी लगाएंगे या फिर हम चार्जिंग कनेक्ट करेंगे। जब हम चार्जिंग कनेक्ट करेंगे तब हमें देखने के लिए मिलेगी वोल्टेज, जब हम फोन ऑन भी करते हैं तब भी हमें देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जब आप चार्जिंग कनेक्ट कर देंगे और सीपीयू के मान लीजिए ये कंपोनेंट इस पे आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो आपको 1.8 देखने के लिए मिलेगा जब आप 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। समझ गए आप? ये आपको तभी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये वोल्टेज है, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपको 600-700-800 के आसपास देखने के लिए मिल सकते हैं, 400-500 देखने के लिए मिल सकते हैं, पर उससे हम कंफर्म थोड़ी ना है। जो कंफर्म वैल्यू है वो तो ये है ना, अगर आपको ये जानना है कि सीपीयू आपका ओके है या नहीं है, वो तो इसी से ही पता लगेगा ना कि जब आप इसमें चेक करेंगे कि 1.8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हम चेक करते हैं वोल्टेज को, और ऐसे हम चेक करते हैं हमारी आईसीओ को कि कौन सी आईसी पे कितनी वोल्टेज आती है। मुझे पता है हमारी कौन सी आईसी पे कितनी वोल्टेज आती है, तो मेरे लिए बहुत इजी पड़ता है। हम वोल्ट पे इसको रखते हैं, आईसी पे चेक करते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन सी आईसी पे कितनी वोल्टेज आती है। तो अगर ये भी आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करें, हम इस पर भी वीडियो ला देंगे कि किस आईसी पे कौन सी वोल्टेज मिलेगी, और एक पहले भी वीडियो बना रखी है हमने, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो, मैंने क्या समझाया इसमें।
अगर आपको थोड़ी भी ये पसंद आई है ना वीडियो, तो आप लाइक करके जरूर जाएं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आता है कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप मुझे लाइक करके जरूर जाएं वीडियो। इससे हमें पता लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कौन से टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, शेयर जरूर करें मेरी वीडियो, और आपके जितने भी यार दोस्त हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं उनको मेरी वीडियो आप जरूर रेफर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।